डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस क्या होता है, इसको फॉक्स ग्लो डिजिटैलिस, आपने इसको ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में पढ़ा है इसके बारे में डिजिटैलिस। इसको अब यहाँ पे हम फार्माकोलॉजी में तो हमने इसका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था, आज हम यहाँ पे इसकी फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे कि प्लांट से कैसे मिलता है ये। तो इसका जिस प्लांट से मिलता है उसे फॉक्स ग्लो या डिजिटैलिस लीव्स कहते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। बाहर इसको सोर्स दिखाया जाए तो ये डिजिटैलिस पुरपुरिया के राइट लीव्स से प्राप्त होता है, पत्तियों से, फैमिली है इसको सोरियासी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेन एटलीस्ट 0.3% ऑफ टोटल कार्डिनलॉइड कॉल्ड एज डिजिटॉक्सिन। इसमें जो होता है बेसिकली पूरे ड्रग में 0.3% करीब डिजिटॉक्सिन होता है, जिसको कार्डिनलॉइड्स भी कहते हैं। और इसको करीब हम लोग 60 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं मॉइस्चर के से बचाने के लिए। कलर की देखा जाए तो डार्क ग्रीनिश कलर होता है इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में। ऑर्डर ऑर्डरलेस है, टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है। इसकी साइज़ जो होते हैं फ्लैक्स के पत्तियों के लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 4-10 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। सेप ओवेट लेनिकुलेट और पिटियोलेट हो सकते हैं। बेस जिसका लीफ का डिकरेंट और डेंटोरेट होता है, अपेक्स सब क्यूट होता है, मार्जिन क्रीनेट और डेंटेरेट होता है, सरफेस जो होता है वो फ्लुसेंट होता है। बात करें माइक्रोस्कोपी की, अगर इसका टीयर सेक्शन पत्ती काटा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा डिजिटैलिस का माइक्रोस्कोपी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रा करना है, सिंपल सा स्ट्रक्चर। देखिएगा इसको टीयर सेक्शन काटेंगे तो आपको ऊपर कोलन कायमा दिख रहा है, बीच में जाइलम फ्लोएम पिथ दिख रहा है, आपको साइड में कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, बस यही स्ट्रक्चर आपको सेम इट ऐसे इसको बनाना है। और बनाने के बाद इसको माइक्रोस्कोपी में देखा जाए तो इसमें डार्सोवेंट्रल लीफ होता है, अमीनोसाइटिक स्टोमेटा होता है, कवरिंग द ग्रैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं दोनों साइड में। जो ट्राइकोम का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, साइड साइड में जो निकला है वो ट्राइकोम है। तो ये स्ट्रक्चर आप इसको जरूर बना लीजिएगा, कॉपी में एग्जाम में आता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड 0.2 से 0.55 होता है। प्राइमरी ग्लाइकोसाइड बेसिकली इसमें पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड है ए, ग्लाइकोसाइड बी और ग्लूकोज जिलोटॉक्सिन होता है। सेकेंडरी आर डिजिटॉक्सिन और जिप्टेलॉक्सिन होता है। प्राइमरी ग्लाइकोसाइड होता है लेस स्टेबल होते हैं, बाकी पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए और बी होते हैं प्रिंसिपली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसके लेप के। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। अगर R1 R2 जो है स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो जिटॉक्सिसिन और डिजोटॉक्सिजिन का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, बाकी इसका यूज़ ये है कि आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में CHF के लिए यूज़ करते हैं, आपने कोलोजी में पढ़ा है। ठीक है, ये मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसके साथ किडनी में डायबिटिक्स भी काम करता है ये। ठीक है, बाकी इसके एग्जाम्पल यहाँ पे आप इसको देख के लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच। ये हमारा कैटेगरी था स्टेरॉइड्स। अगला मेडिसिन है अर्जुना। अर्जुना की छाल आती है, अर्जुना की बार्क आती है, इसे अर्जुना बार्क या अर्जुन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, इसमें ये टर्मिनेलिया अर्जुना यानी टर्मिनेलिया अर्जुना के बार्क से मिलता है। इसकी फैमिली होती है कंबर्टेसी। ठीक है, तो इसको मार दें, इसको कैसे याद करोगे, ट्रिक से कि अर्जुन तीर मारता है, अर्जुन तीर मारता है, तो तीर मारता मतलब टर्मिनेलिया। ठीक है, टर्मिनेलिया अर्जुना और कंबर्टेसी इसकी फैमिली होती है। जियोग्राफिकल सोर्स देखा जाती है, इंडिया में बहुत ही कॉमन है, इसके साथ साथ ये नागपुर रीजन में, छोटा नागपुर रीजन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये उगता है। कल्टीवेशन कलेक्शन आपको पढ़ना नहीं है। मॉर्फोलॉजी देख लीजिए, मॉर्फोलॉजी में दोस्तों कलर जो होता है इसका आउटसाइड जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, अंदर से करीब ग्रेइश ब्राउन होता है। ऑर्डर है इसका कोई तो कुछ भी ऑर्डर नहीं है। टेस्ट इसका स्ट्रिंजेंट है, शेप इसका फ्लैट है, साइज इसका करीब 15 से 10 × 1 सेंटीमीटर की इसकी बार की पट्टी आती है। एक्स्ट्रा फीचर्स में आ जाइए तो कॉमर्शियल ड्रग के रूप में होता है, इसको हम ओल्ड टियर पुराने पौधों से मिलते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लॉइट करके पाउडर बना के इसका इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोपी में अगर इसके हम पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें बेसिकली आपको पॉइंट क्या लिखना है कि छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि इसमें जो कॉर्क कैम्बियम होता है, जाइलम फ्लोएम, उसमें स्मॉल लेयर होते हैं। ये सब माइक्रोस्कोपी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है डिप्लोमा के हिसाब से, आपको डायरेक्ट पढ़ना है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्या क्या, अर्जुनोलोन, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। उसके बाद अर्जुनोन, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, अर्जुगोसाइट और यहाँ पे टर्मिनल, ये हमारे बेसिकली चार केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। बस आप इस चारों का नाम लिख दीजिए और कुछ भी आपको इसमें नहीं लिखना है। केमिकल टेस्ट की बात की जाए तो ये अर्जुना जो होता है ये फ्लोरेसेंस यानी अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर जाने पर ये पिंकिश कलर देता है। यूज की बात करें तो ये जो बरतना है ये डायरेटिक्स की तरह इस्तेमाल होता है, यानी किसी को यूरिनेशन बढ़ाना हो, ब्लड प्रेशर कम करना हो तो उसको हम इसको दे सकते हैं। डायरेटिक प्रॉपर्टी होने के साथ साथ इसमें ट्राइटरपेनॉइड्स होते हैं जिससे ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी डिक्रीज करता है। इसके साथ साथ ये हार्ट डिजीज़ के काम में काफ़ी आता है। और ये सब इसके कुछ सिंपल से इसके यूज, एडल्ट्रेशन आपको पढ़ना नहीं है, बस इतना ही आपके लिए यहाँ पर पर्याप्त है।